हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। और हम लोग दिसंबर का करेंट अफेयर्स देख लेते हैं, दिसंबर 2017 का। उसके हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखें तो उत्तर प्रदेश का जिला है एक शामली डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश का शामली डिस्ट्रिक्ट है, उसको अब एनसीआई में, दिल्ली एनसीआई में इसको इंक्लूड कर दिया गया है नेशनल कैपिटल रीजन में। इसको मिला के नेशनल कैपिटल रीजन में क्या है, टोटल 22 जिला है, जिसमें से 13 जिला जो है हरियाणा से ले लिया गया है, 7 जिला उत्तर प्रदेश से हैं और 2 जिला जो है वो है राजस्थान से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो शामली डिस्ट्रिक्ट है उसको दिल्ली एनसीआई में इंक्लूड कर दिया गया है, और दिल्ली एनसीआई में भी जो है टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आगे देखें, गवर्नमेंट प्रपोजेज टू रजिस्टर ओनली भारत स्टेज 6। गवर्नमेंट जो है इस बात का प्रस्ताव रखा कि भारत स्टेज 6 यानी BS6 जो है उस व्हीकल को ही जून 2020 के बाद से सिर्फ इसी व्हीकल को रजिस्टर किया जाएगा। यानी भारत स्टेज BS6 जो है उसको जून 2020 से सिर्फ इसी व्हीकल को रजिस्टर किया जाएगा, उसके पहले वाले जिसे कि BS4 था उसको नहीं रजिस्टर किया जाएगा। आगे देखें, मध्य प्रदेश जो है डेथ पेनाल्टी का सजा है, मृत्यु दंड का प्रावधान लाया है। किसके लिए? अगर कोई 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसके जो मुख्य आरोपी होगा उसको जो है डेथ पेनाल्टी यानी मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। छठा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, 6th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है इसका गुवाहाटी में, जो कि असम का कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला देखिए, नवल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट म्यूजियम। नवल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट म्यूजियम जो है बनाया गया है कहाँ? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और इसको उद्घाटन किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा दिसंबर 2017 में, नवल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट म्यूजियम। अगला देखें, इंडिया डिक्लेयर फ्री फ्रॉम ट्रैकोमा। इंडिया को ट्रैकोमा नामक जो बीमारी है उससे इंडिया को फ्री कर दिया गया है, मतलब इंडिया में कोई भी ट्रैकोमा से अफेक्टेड नहीं है, तो इसको इंडिया को फ्री कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। ट्रैकोमा है क्या? ये है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला, ये आँख का बीमारी है। ट्रैकोमा जो है वो आँख का बीमारी है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है। ऑपरेशन सिनर्जी है क्या? एक रेस्क्यू मिशन था, मतलब साइक्लोन जो ओखी आया था केरला में, तो उसके दौरान ऑपरेशन सिनर्जी चलाया गया था, जिसमें कि जो लोग जो हताहत हुए थे, जो परेशान हुए थे, उन लोग को निकालने के लिए, राहत कार्य के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन सिनर्जी। अलाहाबाद कुंभ मेला जो कि 2019 में लगने वाला है, जनवरी 2019 में, उसके लिए जो है टैगलाइन लॉन्च कर दिया गया है। तो टैगलाइन क्या होगा? चलो कुंभ चलो चलो, तो ये इसका टैगलाइन होगा तो अलाहाबाद कुंभ मेला का। तो इसको आप बस इतना ही ध्यान रखने कि जनवरी 2019 में कुंभ मेला लगने वाला है अलाहाबाद में। टैगलाइन भी याद रखें, चलो कुंभ चलो कुंभ चलो। अगला देखें, इंटरनेशनल हर्बल फेयर जो है उसको भोपाल में ऑर्गेनाइज किया गया था, एक मेला टाइप का था जहाँ पे कि हर्बल के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था। तो इंटरनेशनल हर्बल फेयर जो है भोपाल में इसको शुरुआत किया गया, मध्य प्रदेश का कैपिटल। अगला देखें, पहला नेशनल लेवल ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम। अभी है क्या ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम? तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था दिल्ली में, जो कि सेंडई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? ये डिजास्टर से संबंधित है। सेंडई फ्रेमवर्क, सेंडई है जापान में। तो पहला नेशनल लेवल का जो ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें कि सेंडई फ्रेमवर्क्स के द्वारा जो प्रोविजंस थे उसके लिए ट्रेनिंग किया गया था, और इसको नई दिल्ली में किया गया था। सेंडई फ्रेमवर्क का जो फुल फॉर्म अगर देखें, फुल मतलब इसका अगर इन्फॉर्मेशन, तो सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका पूरा नाम हो गया। और ये मिशन जो है 2015-30, ये 15 साल का मिशन है, लॉन्ग टर्म ये मिशन है। अगला देखें, गवर्नमेंट जो है 42 मेगा फूड पार्क्स का इसको परमिशन दे दिया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और आगे देखें, दर्पण प्रोजेक्ट है क्या? दर्पण का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया प्रोजेक्ट। दर्पण का फुल फॉर्म हो गया डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया प्रोजेक्ट। अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, खासकर ग्रामीण जो आबादी है, रूरल पॉपुलेशन, वहाँ पर फाइनेंशियल
इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। और इस प्रोजेक्ट में है कि जितना भी ब्रांच मास्टर है वो जो है कुछ लो पावर टेक्नोलॉजी, मतलब स्मॉल लेवल का टेक्नोलॉजी जो है ऐड किया जाएगा इसमें। और इसकी वजह से क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। और इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। तो दर्पण प्रोजेक्ट आप ध्यान में रखें, दर्पण प्रोजेक्ट का मतलब ही हो गया डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस। तो इतना से ही काफ़ी अच्छा इसको आंसर मिल जाता है। अगला देखें, इंडिया का पहला रेल यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते होंगे इंडिया का पहला रेल यूनिवर्सिटी जो है वो है वडोदरा में, वडोदरा कहाँ, गुजरात में। अगला देखें, इंडिया का पहला डिजाइन यूनिवर्सिटी, इंडिया का पहला डिजाइन यूनिवर्सिटी ऑफिस को कहा जाए तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है, इसका अपना कैंपस खोला गया है और कैंपस है सोनीपत, सोनीपत कहाँ है, हरियाणा में। तो इंडिया का फर्स्ट डिजाइन यूनिवर्सिटी जो है सोनीपत हरियाणा में है। और अगला देखिए, सातवां इंटरनेशनल कॉफ़ी फेस्टिवल, सातवां इंटरनेशनल कॉफ़ी फेस्टिवल है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलुरु में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चले, इरानसा उदावदा उत्सव, इरानसा उदावदा उत्सव जो है एक फेस्टिवल है जो कि गुजरात में इसको शुरुआत किया गया था, और ये पारसी कल्चर का फेस्टिवल है जिसको गुजरात में भी शुरू किया गया है। अगला देखें, ऑल पैसेंजर ट्रेन्स टू हैव बायो टॉयलेट्स बाय मार्च 2019, जितना भी पैसेंजर ट्रेन है उन सभी को बायो टॉयलेट्स मिल जाएगा, कब तक, 2019 तक। तो 2019 तक जितने भी पैसेंजर ट्रेन हैं उन सब में बायो टॉयलेट्स का उपलब्ध होगा सुविधा। अगला देखें, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे कि ग्रीन यूनिवर्सिटी सेटअप किया जा रहा है, ग्रीन यूनिवर्सिटी सेटअप किया जा रहा है, किस लिए, वहाँ पे इन्वायरमेंटल स्टडी किया जाएगा, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी किया जाएगा, और इसके लिए वेस्ट बंगाल इस देश का पहला राज्य है जो कि ग्रीन यूनिवर्सिटी सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे है, हुगली जिला है जो है वेस्ट बंगाल में। आगे देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल है क्या, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि नागालैंड का मुख्य त्यौहार है, और इसको माना जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स, मतलब त्यौहारों का त्यौहार के रूप में हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में माना जाता है, और 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल मनाया गया था, और ये मनाया जाता है कहाँ, नागालैंड। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड का पहला आईटी कैंपस, वर्ल्ड का पहला आईटी कैंपस फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब जो डिसेबल्ड पीपल हैं या फिर कहा जाए डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, तो उनके लिए जो है दुनिया का पहला आईटी कैंपस खोला गया है। और ये कहाँ पे खोला गया, ये खोला गया है हैदराबाद में। तो इसको आप ध्यान रखें, दुनिया का पहला आईटी कैंपस जो कि दिव्यांग लोगों के लिए है उनको हैदराबाद में खोला गया है। अगला देखें, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, मतलब सोलर पावर प्लांट जो कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है, इसका जो है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर जो कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है उसका शुरुआत कर दिया गया है, कहाँ पे, केरला में, केरल। और आगे देखें, बेगर फ्री सिटी, मतलब हैदराबाद को बेगर फ्री सिटी कह दिया गया है, मतलब किसको बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी बेगर नहीं है, भिखारी नहीं है, क्योंकि इनके लिए रिहेबिलिटेशन का पूरा व्यवस्था किया गया है, मतलब क्या कहा जाए, मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग जो है इसके लिए रिहेबिलिटेशन का सुविधा किया गया है। अगला देखें, लोसार फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल है क्या, लोसार फेस्टिवल जो है लद्दाख का मुख्य त्यौहार है, और लद्दाख क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो लोसार फेस्टिवल लद्दाख का है, इसको ध्यान रखना है। अगला देखिए, बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है पहला सिटी बन गया है इंडिया का जिसका कि अपना लोगो है, उसका अपना बेंगलोर सिटी का अपना लोगो है, तो इसको भी है ध्यान रखना। ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड एडवेंचर, ऑरेंज फेस्टिवल फॉर म्यूजिक एंड एडवेंचर, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, किया गया था 2017 की बात है, तो उसको किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड एडवेंचर दिसंबर 2017 में। आगे देखें, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदा, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदा, ये नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था वेदा का, और इसका नाम था विश्व वेद सम्मेलन, और ये 15 दिसंबर 2017 को इसको शुरुआत किया गया था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेदाज। आगे देखें, इंडिया साइंस कांग्रेस, इंडिया का साइंस कांग्रेस देखा जाए तो 2018 में इसको, मार्च 2018 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये जो था 105वां एडिशन था इंडिया साइंस कांग्रेस का, तो ये ध्यान रखना है। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है इसको अहमदाबाद में इसको शुरुआत किया गया था। अगला देखें, 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, 11th या 11वां जो मंत्री मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उसको किया गया था, कहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, ब्यूनस आयर्स में। और ब्यूनस आयर्स कहाँ है, अर्जेंटीना में है। तो ये देख लिए। आगे देखिए, फर्स्ट फेज ऑफ चाहबाग पोर्ट इनॉग्रेटेड। चाहबाग पोर्ट जो कि ईरान में बनाया जा रहा है भारत सरकार की मदद से, तो वहाँ का जो पहला फेज था, फर्स्ट फेज था, उसको शुरू कर दिया गया, उसको उद्घाटन किया गया ईरान के प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है सेम सेक्स मैरिज, मतलब अगर सेम सेक्स में, सेम लिंग में अगर शादी किया जाता है तो उसको जो है ऑस्ट्रेलिया जो है इसको वैधानिक दिया है और इसको लीगल बोला है कि ये कोई गैरकानूनी नहीं है, लीगल है। अगला देखें, यूएसए जो है जेरूसलम को जो है इज़राइल के कैपिटल के रूप में स्वीकार किया था। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है जेरूसलम को इज़राइल के कैपिटल के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन बाद में जब यूनाइटेड नेशन में ये मैटर हो गया तो उसके बाद में जेरूसलम को इज़राइल के कैपिटल नहीं माना गया। इज़राइल का अभी जो कैपिटल वो है तेल अवीव। अगला देखें, वर्ल्ड का पहला कैमल हॉस्पिटल, दुनिया का पहला ऊँट का हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पर खोला गया, वो खोला गया है दुबई में। और वर्ल्ड का सबसे लंबा कांच का ब्रिज, ग्लास ब्रिज, कांच का ब्रिज जो है वो कहाँ पे है, कांच का पुल जो है वो कहाँ है, चाइना में। तो इसको आप देखे होंगे, इसका बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ था। तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल है वो है चाइना में। तो इस तरह से हम लोग दिसंबर का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जनवरी 2018 से हम लोग करेंट अफेयर्स देखना शुरू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।